तो आज हम इस समय है यहाँ पर ग्राम सभा कोचियार शिविढार में। दोस्तों आज हमारे साथ है एक अंकल जी। अंकल जी सर आपका नाम? मेरा नाम लीलानंद ध्यानी है जी। तो आज आप हमें क्या बताएंगे इसके बारे में कुछ? मैं आपको अपने ये पौधे लगाए हैं, अपने जी 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 खेती लगाई है, इतना जानवरों का नुकसान हो कर रहे हैं जानवर, हाँ। उसके लिए दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा बहुत। ये मैंने माल्टा लगाया है, इधर पुलम के पौधे ये देख लगाए सकते हैं आप लोग यहाँ पर। हाँ दिखिए यहाँ पर ये पुलम है, यहाँ पर माल्टी का हो गया पेड़ है, देख सकते हैं आप लोग। माल्टा के पेड़ हैं जी जी। आप चलिए दिखाइए हमें। जी जी और इनकी अच्छी तरह देखभाल करता हूँ मैं, जैसे छोटे बच्चे की देखभाल होती है जी, उस तरह से मैं देखभाल कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते इसका वो भी पेड़ भी, यहाँ पर माल्टे के पेड़ भी, यहाँ पर बड़ा सा माल्टा का बड़ा पेड़ हो गया है जी, इससे फलाने शुरू हो गए हैं जी जी। और ये पुल्लम लगे हुए हैं, ये माल्टा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये ले लो, ये जी जी। हाँ ये भी दिखिए आप लोग। हाँ देखिए अभी छोटी पौध है ये, और ये पुल्लम का पेड़ है। ये है माल्टा जी। यहाँ जैसे ये आपको ये पाउडर आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, ये पाउडर ये कहाँ से हमारे मिली? को धुमाकोट में उद्यान विभाग है जी और उद्यान विभाग में के प्राइमरी हैं राजेंद्र सिंह बिष्ट। तो बिष्ट जी ने जिला स्तर पर हमें निःशुल्क पौधे दिए हैं जी 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 और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया है कि कैसे लगे हैं, कैसे लगाए हैं तुमने, कैसे खड्डे खोदे हैं, कैसे खाद मिलाई है, जी उस हिसाब से सब कुछ उन्होंने एडवाइज भी किया हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमने लगाए हैं और तब से हम इनकी देखभाल लगातार कर रहे हैं, पर हमारे साथ समस्या है जंगली जानवरों की। जंगली जानवर सुअर हो गया, खरगोश हो गया, सौला हो गया, हिरन हो गया, काखड़ हो गया, ये सारे हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। जी जी जी। अब हम तो आप सरकार से मांग कर चाहिए, सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे को कोई तार बार की व्यवस्था की जाए, तार बार की व्यवस्था हो जाए तो हमारी फसल बच सकती है। जी जी जी। हम दिन रात मेहनत करते हैं और ये हमने टमाटर की पौध लगाई है इनमें, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। आप देख सकते हैं ये क्यारी है टमाटर की, अभी पौधे लगाने बाकी है लेकिन लगा के कोई फायदा नहीं। हम दिन में लगाते हैं, रात को खरगोश चढ़ जाता है। जी जी जी। रात को खरगोश बराबर कर देता है जी। ये अभी हमने पौध लगाई टमाटर की, ये अभी बहुत छोटे पौधे हैं, बिल्कुल बारिश हुई तो उससे थोड़ा वो दब गए हैं। जी जी। बाकी अभी जिंदे हैं, पौध तो अभी जिंदी है। जी जी। जैसे ही उठेगी वैसे ही खरगोश इनको बराबर कर देगा। हाँ हाँ हाँ। हमारी तो सरकार से ये मांग है कि थोड़ी हमारी मदद करी जाए, तो हमारी मेहनत का है, बहुत मेहनत लगती है इस खेती में जी। और इसमें खरगोश है, सुअर है, सौला है, हिरन है, जी जी, काकड़ है, ये सब नुकसान कर देते हैं। आप देखोगे ऊपर वाले खेत में खरगोश ने कितना नुकसान कर दिया। चलिए 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 आप दिखाइए हमें सर। सर आराम से आराम से। ये हमारी मटर की फसल है जी, ये हमारी मटर की फसल है लेकिन इसमें सौले ने आप देख रहे होंगे बीच बीच में सारे नुकसान कर दिया। देखिए बीच में खाली खाली और काम खाली खाली हो रखे हैं, तो ये सौले की सौला और खरगोश जी, ये इनके लिए कितनी बाड़ कर लो, हमने लकड़ी की बाड़ आप देख रहे होंगे कितनी मजबूती से कर रखी है लेकिन उनको कोई असर नहीं होता। हिरन के लिए तो कुछ नहीं है, ये बाढ़ काम नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं, देख सकते हैं आप लगा रखे होंगे बांस की, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है। हाँ। तो सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमें तार बाड़ दी जाए। हाँ, एक पक्की तार बाड़ की व्यवस्था की जाए, तार बाड़ की व्यवस्था की जाए। और जैसे ये नीचे मेरे पेड़ लगे हैं उनमें सौर ऊर्जा का पैनल भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, रात में पता तो लगेगा। जी जी जी। रात में हम घूमते हैं लेकिन नजर नहीं आते खरगोश जैसे, और सोला जो है जड़ खाता है। वो सारे अखरोट के पेड़ लगे हैं, सबकी जड़ खा जाएगा। जी जी। अभी आप ये देख सकते हैं, देखो सब सोले ने खाली कर रखे हैं, देखिए देखिए खरगोश ने और सोले ने चर चर के साफ कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। आप अच्छी तरह देख सकते हैं, देखो इतनी अच्छी फसल लगी थी लेकिन बर्बाद कर दिया उसने सब। जी। अब इसमें कैसे हम गुजारा करें, कैसे हम इस मेहनत निकालें।
जी जी लेकिन इसमें भी बीच बीच में सारे सोले ने नुकसान कर दिया है इसका सारा। जी जी सारा नुकसान कर देते हैं सोला आके और दोबारा से हमारी सरकार से मांग है कि हमें तार बाड़ दी जाए। ये हमने मधुमक्खियों के लिए भी लगा रखा है छत्ता। अच्छा सर ये जी जी आई नहीं है जी 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 देख सकते आप लोग यहाँ पर ये हाँ सर आ रहे हैं सर इसमें जी जी हाँ ये मधुमक्खियों के लिए लगाया है। हम तो पूरी तरह से करने को तैयार हैं लेकिन नुकसान जो है जंगली जानवर कर जाते हैं हमारा जी। अब लहसुन देखो आप बीच बीच में देखेंगे आप तो सारा उसने सोले ने और खरगोश ने बराबर जी 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 लकड़ी की बाढ़ का उसको कोई असर नहीं होता। दिन में बंदरों के लिए हमने ये कुत्ते भी बांध रखे थे हमारी तो ये अपील है गवर्नमेंट से कि थोड़ी हमारी मदद करी जाए हमारे को तार बार दी जाए जी ताकि हमारी फसल बच सके। ये देखिए आप मटर देखिए आप देखिए ये मटर टमाटर की पौध लगी है जी टमाटर की पौध दो दो तीनों खेतों में लगी है ये सारी देख सकते हैं आप लोग संभालने के लिए इसमें जंगली जानवरों का बहुत नुकसान है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं रात रात में सोला सुंगर खरगोश हिरन काकड़ ये खेती के सारे दुश्मन हैं हमारी मेहनत बराबर कर देते हैं जी। और हमारी तो भारत सरकार से ये मांग है उत्तराखंड सरकार से मांग है ब्लॉक से मांग है कि हमें सारी तार बार दी जाए। अब आप ये एरिया देखिए ये सारे जंगल से लगता है देख सकते हैं आप लोग मिल जाए तो हमारी फसल सेफ रह सकती है जी जी जी। सारा दीवार के साथ साथ तार बार लग जाए ना तो जानवर नहीं घुस पाएगा। अब ये मैंने यहाँ उद्यान विभाग के सहयोग से निःशुल्क पौधे दिए हैं जिला स्तर पर लेकिन हम इनको बचाएंगे कैसे इनके लिए जंगली जानवर सोला जो है खोद के जड़ खाता है हमें इसकी जड़ें खा जाएगा तो हम क्या करेंगे जी सही बात सुनो इससे एक तार बार मिल जाए हमारे को तो बच सकती है पूरा एक तार बार मिल जाए दो चार सौ रोड जाके पैनल मिल जाए जो रात में हम राउंड मारते हैं तो नज़र तो आए या तो छुप जाते हैं झाड़ियों में रात में हम सीटी बजाते हैं इधर आते हैं रात में जी जी लेकिन वो तो झाड़ियों में छुप जाते हैं कितनी झाड़ियाँ काट दी हमने आप ये देखिए अखरोट के पेड़ है ये अखरोट के पेड़ जैसे हैं आ रहे हैं इसमें फुटाव आ गया है पत्ते आने लग गए फुटाव आ गया सारे पत्ते पौधों में एक तरफ से पूरी हिफाजत करिए उनकी घेराबंदी और खाद ये गड्ढे उनके मानक के हिसाब से पौधे हैं आप देख रहे होंगे कि ये इसमें पत्ते फूटने वाले हैं बाद में उधर से इधर पाएंगे। ठीक है सर सब अभी तक तो बिल्कुल सही सलामत रहे हैं अंकुर फूट रहे हैं पर डर ये है कि जिस दिन रात को सोला आ गया तो सर की सबकी जड़ें खा जाएगा जी देख सकते हैं आप लोग ये देखो सब आज सब पौधों में फुटाव आ गया है सब में पत्ते निकलने लग गए मेहनत है भाई खाद डाल रखी है पानी के लिए पाइप ले आओ मैं चार 120 मीटर पाइप लेके आया हूँ पर अब ऊपर से बरसात हो गई है तो इसमें पानी की जरूरत नहीं है मैं अपनी व्यक्तिगत अपनी तो मेहनत मेरी पूरी है दिन रात मैं इधर ही रहता हूँ बंदरों से बचाता हूँ लेकिन अब ऊपर वाले के हाथ में और
उम्मीद हमारी सरकार से, अपने ब्लॉक के अधिकारियों से उम्मीद है कि हमें कुछ न कुछ तार बार दी जाए, 2-4 सौ रोजे की लाइट दी जाए कि जो कम से कम रात में हम आए तो देख तो सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंधेरे में तो कुछ दिखाई भी नहीं देता, खरगोश और सोला तो बहुत छोटा होता है, साला छुप जाता है। आप ये देख रहे हैं, अच्छी ये तार ये बार करी है मैंने, कहाँ कहाँ से बार खरीद के, मतलब ये फुलवाई बहुत पैसा लग गया इस बार। ये देखो बाबू, इसमें पत्ते आ गए, देख सकते हैं आप। हाँ, आप देख सकते हैं इसमें पत्ते आ गए हैं पेड़ में, ये ऐसे सब में फुटा हो रखा है, ये पत्ते आ गए। ये देखो तार, ये बांस की बार करी हुई है, कितनी मेहनत लगी हो, दूर गांव से तो बांस काटने पड़ते हैं, वहाँ से खरीद के फिर ढुलाना है, फिर यहाँ लगाना है, फिर इनको गड्ढे खोद के दूर से गुलाब की तल में भी ले आएंगे, झाड़ी हो जाएगी इससे, गुलाब का पौधा झाड़ी दे देगा तो आसानी से नहीं घुस पाएंगे। पर मैं इन चीज़ों से जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, हिरन तो छलांग मार के आ जाता है, ये सब अंकुरित हो रहे हैं, सब में पत्ते आने वाले हैं, किसी किसी में आ गए हैं, किसी में आने वाले हैं। आप बाढ़ को देख लीजिए, बाढ़ के साथ साथ मैंने गुलाब भी लगाई है, गुलाब जल्दी फैल जाएगा तो ये घना हो जाएगा। आप ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पत्ते आ गए, सारे ये अखरोट है और ये दो पौधे में नीम के लगाए हैं। इसमें दिल्ली से लाया था मैं नीम के पौधे, नर्सरी नीम भी हो जाएगा तो नीम के हवा से भी फर्क पड़ता है। ये सारे लगे हुए हैं, देख लो, मनोज बाबू, हम जिला स्तर पर और उद्यान विभाग के अधिकारियों से मांग करते हैं कि हमारी ये तार बार दी जाए, हमारे को ये सारा तार बार हो जाएगी तो हमारे पौधे बच जाएंगे। ये तो बहुत मुश्किल है इनको बचाना, ये तो मैं तो इनको बच्चों की तरह देखभाल करता हूँ, लेकिन तार बाड़ हमें मिल जाए तो ये पौधे बच सकते हैं। अब ये बांस की बाड़ के हिरन का घर के लिए तो कुछ नहीं है, ये है, उद्यान विभाग के अधिकारियों से मांग करता हूँ कि हमें ये तार बाड़ दी जाए जो हमारी फसल से बच जाए, हमारे ये पौधे बच जाए। बहुत मेहनत से लगाए मैंने, अधिकारियों ने जो मापदंड बताया है उसके हिसाब से, मानक के हिसाब से खड्डे खोदे हैं, खाद मिलाई है, और हमारे श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी भी आके यहाँ हमें दिखा के गए हैं कि तरीके से तुमने ये लगाने हैं और ऐसी देखभाल करनी है। वो खुद फील्ड में आके, खेत में आके लगवा के गए हमारे से, उनका भी बहुत सहयोग रहा। अब यही उम्मीद करते हैं हम ब्लॉक अधिकारियों से कि हमें कारोबार की सुविधा दी जाए जो हमारे पौधे सुरक्षित रह जाए। जी, ये नाशपाती के पेड़ लगे हैं और यहाँ भी लगे हैं, ऊपर भी ये लगी है नाशपाती। ये है नाशपाती है सारे। जी जी, अब इनको पानी की सबसे बड़ा खतरा जंगली जानवर का है, सोला जो है इनकी जड़ें खा जाएगा, हमें बचाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर। अब देखो ये नींबू लिए, अब ये देखिए अपने स्तर पर ठीक चल रहे हैं, इनकी मैं निरंतर देख रेख करता रहता हूँ, इनकी नलाई गुड़ाई खाद पानी। आप देख सकते हैं कि ये देखो अच्छे हो रहे हैं, पौधे अच्छे दिख रहे हैं, पर वही है जिस दिन सोले के चक्कर पड़ गए वो जड़ खा जाएगा इनकी। आप देखिए ये है, ये नींबू है,
इसमें सारे नींबू के ही पौधे हैं जी जी, देख सकते हैं आप लोग सारे नींबू के पेड़ हैं कि कितने अच्छे ढंग से ये हो रहे हैं पौधे। जी जी, और ये हमने खाद और इनकी निराई गुड़ाई अच्छी तरह से कर रखी है। अच्छा, पर ये भी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं पौधे, अच्छी वो ले रहे हैं बढ़त, और इसमें हरे पत्ते आने लगे, हरे पत्ते आने लगे, आ रहा है इसमें भी। जी जी जी, देख सकते हैं आप लोग, सितंबर लास्ट में लगाए थे। अच्छा अच्छा, ये भी हमारे को बिस्तर जी ने दिए थे धुमाकोट से जी, शुल्क पौधे देते हो। जी जी जी, ये देखो कितने अच्छे ढंग से खिल रखा है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पर। ये आज ही मैंने इनकी गुड़ाई करी है सवेरे। जी जी, मैं मतलब इस पे लगा ही रहता हूँ, कहीं पे घास पात उगे तो उनको साफ सुथरा कर देता हूँ, गुड़ाई पानी सब खाद ये सारी देख रेख करता रहता हूँ मैं इनमें। जी ठीक ठीक, आप देख सकते हैं बाबू जी, ये देखो पौधा कितना अच्छा खिल रहा है। ये भी पौधे, ये देखो सारे ही पौधे ये बिल्कुल सही खिले हुए हैं। मनोज बाबू, ये इसमें हमने कीवी के पौधे लगा रखे। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं आप देख सकते हैं कीवी के पौधे, कीवी है। जी 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 जी, लेकिन पौधे अभी अभी लगाई है, कोई 20-21 दिन हो रहे हैं, पर ये पौधा हरी है, ये भी जड़ हरी है। हाँ, मतलब आ रहा है इसमें पत्ते लगे, आने के समय। हाँ जी जी जी, अंकुर आ रहा है उस पर, अभी हरे हैं पौधे। जी सर, आप देख सकते हैं ये पुलम का पौधा है, इसमें भी फुटाव आ रहा है, देखो देखिए। हाँ, फुटाव आ रहा है, ये हरा है, पुराने पत्ते झड़ रखे हैं पर फुटाव है पौधे में। ये भी पुलम है, ये आप देख सकते हैं, इसकी तो डंडी भी हरी है, ये हरे हैं सारे, देखिए आप लोग भी देखिए। आप ये भी देख सकते हैं, ये भी पुलम है, इसके भी अरे हाँ, अभी अभी हरी अभी इसमें। हाँ, और ये भी पुल्लम है, ये भी पुल्लम है, अभी इनके लिए भी बांस का घेरा बढ़ाऊंगा, वो जरा आदमी बाहर गया हुआ है। अब बाकी ये भी पुल्लम है, आप ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी पौध हो रखी है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये पौध देख सकते हैं आप, इसके अंदर देखो अच्छी पौध ग्रोथ ले रही है पौधे। ये भी है, ये भी मालता है, ये भी अच्छा खिल रहा है, मेहनत जरूर लग रही है पर पौधे अभी तक ठीक है। जी जी, अब वो रह गए बाबू, ये देखो आप पौधे देख सकते हैं, चेंज देख सकते हैं, देखो अच्छी तरह से हरे भरे खिले, अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। जी जी, क्योंकि बरसातों में तो बहुत छोटे मिले थे। हाँ हाँ हाँ, अब तो बड़े हो गए, काफी उससे ना बड़े भी हो गए, और इधर भी लगाया, ये देखिए अब छोटा पौधा इसमें। हाँ, अब ये केला है, ये सेब है, आम है, वो भी सेब है, पर सबसे बड़ी बात यह कि जंगली जानवर जो है ना नुकसान कर रहे हैं। जी, जंगली जानवरों से बचाना बहुत मुश्किल हो रखा है हमें। जी जी, और उम्मीद करते हैं उद्यान विभाग के अधिकारियों से, उम्मीद करते हैं कि हमें बार बार की सुविधा दी जाए, साथ में हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमें तार बार की सुविधा दी जाए, ताकि हमारी फसल हमारे पौधे बच सके। हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और गवर्नमेंट के मानक के हिसाब से हमने पौधे भी लगाए हैं, जैसे कि कृषि विभाग से पौधे मिले हैं, उनका जो मापदंड के हिसाब से हमने खड्डे बनाए, खाद मिलाई है, और ये चार बांस की घेरा बनाए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही उम्मीद है, उद्यान विभाग से, कि हमारे पौधों को बचाया जा सके। जो थोड़ा बहुत नुकसान ये दे, आप देखने देखा ही होगा, खरगोश ने सोलह ने कितना नुकसान कर दिया, क्योंकि वैसी लकड़ी की बाढ़ से तो सोलह रुकने वाला नहीं है, वो तो जड़ खाता है, और कहीं पौधों की जड़ खा दी तो फिर क्या बचेगा, क्या करेंगे हम
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उद्यान विभाग का जो अधिकारी हमारी बात को मानेंगे, सुनेंगे हमारी मांग, और मांग यही है हमारी कि हमें तार बाड़ दीजिए। आपको दिखाइए, मैंने बाउंड्री सारी वैसे तो दीवार दे रखी हमने, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। हिरन उरन तो ये तो जंप मार के आ जाते हैं, सोला पता नहीं, खरगोश तो जंप मारता ही है। हाँ सर, और नुकसान ही नुकसान हो रहा है, उसमें आदमी का दिल टूटता है, मेहनत बेकार हो जाएगी, पौधे बेकार हो जाएंगे, सरकार के भी तो पौधे लगे हैं। और राजेंद्र बिष्ट जी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने निःशुल्क पौधे दिए जिला स्तर पर हमें, और देखने भी आए, हमें बता के भी गए इस मानक के हिसाब से लगाने तुमने पौधे।